नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का बढ़ता एफटी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं गाजीपुर की खबर। गाजीपुर के जवानिया ब्लॉक प्रमुख व बीडीसी सदस्यों का शपथ ग्रहण होने के बाद जवानिया ब्लॉक प्रमुख पद की उप विजेता पूजा तिवारी पति प्रतिनिधि चंदन तिवारी ने अपने बीडीसी सदस्यों का माल्या अर्पण कर उनका भव्य स्वागत व सम्मान किया। बीडीसी स्वागत समारोह कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा के वरिष्ठ नेता ब्रिजेंद्र राय ने मौजूद बीडीसी सदस्यों का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि आपके सहयोग व समर्थन से ही आज पूजा तिवारी के साथ 61 बीडीसी सदस्य कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहे। भले ही 8 मतों से नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख ने जीत हासिल कर ली है, लेकिन पूजा तिवारी ने पूरे दमखम के साथ अपने प्रतिद्वंदी नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख को कड़ी चुनौती दी है। कार्यक्रम के अंत में चंदन तिवारी ने सभी बीडीसी सदस्यों व अंगतुंगों को धन्यवाद ज्ञापित कर उनका आभार व्यक्त किया। स्वागत सम्मान समारोह किया गया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसको लेकर मैं स्पष्ट कर देना ये चाहता हूँ कि जो भी सम्मान समारोह था वो कोविड-19 को ध्यान में रखकर सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए, क्योंकि चुनाव हम लोग हार गए और जितने हमारे साथ बीडीसी सदस्य थे जो कंधे से कंधा मिलाकर के 24 घंटा हमारे साथ चलते रहे, उनका सम्मान करना हमको जब मैंने अपना दायित्व समझा और अगले 5 साल का ये कार्यकाल उनका है तो मैं हमेशा उनके साथ रहूँगा। इस वादे को बुलाने के लिए मैं बुला करके उनका सम्मान भी किया और मैंने अपना वादा भी किया और आप लोगों ने जैसा देखा भी वो सब लोग बैठे हुए थे। तेज ही बोलिएगा सर, जनरेटर चल रहा है। आज बीडीसी सदस्यों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, इसके विषय में कुछ जानकारी था, किस तरह का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया? देखिए, पहली बार जैसा हमने अभी अपने संबोधन में कहा कि अपने 35-36 वर्षों के राजनीति की उन्हें पहली बार देखा कि चुनाव में सफलता नहीं मिलने के बाद भी कोई ऐसा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति मुझे दिखाई दिया आज कि जो अपने सभी जो साथ में थे जो साथ में नहीं भी थे सबका साथ लेकर सबका विश्वास अर्जित करने का काम आज उन्होंने किया, ये मुझे एक सबसे अच्छी बात दिखाई दी। और सबके सम्मान के पीछे उद्देश्य यही है कि एक दो पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए मुझे जो समझ में आ रहा है कि आज का सम्मान समारोह सब, क्योंकि ये चुनाव में सफलता नहीं मिली है, सभी के मन में थोड़ा बहुत कहीं कहीं क्षोभ हुआ, तो मिल करके एक साथ बैठ करके आगे हम इस ब्लॉक को कैसे उत्तम से सर्वोत्तम बना सकते हैं, इसकी रणनीति के लिए कहिए या आगे की योजना के लिए कहिए, हम सब आज बैठ करके उनका सम्मान किए और सबके साथ एक सुर में सुर मिला करके हम आगे कैसे नेतृत्व लेकर के हम आगे की लड़ाई लड़ सकते हैं, ये आज बाज विचार के लिए हम सब बैठे।